और आपको ये बताया कि अगर ये देवता प्रसन्न हो गए तो इतना अनाज होगा जो भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ, और वो आपको बताया, बालू उठाई और आपसे कहा खेतों में डालो और 100 मील तक बराबर फसल होगी, लेकिन आपको बराबर हमेशा कड़ी जोड़े रहे कि बाबा जी की बात को मानना पड़ेगा। देवता आपके लिए काम कर रहे, बाबा जी भी आपके लिए काम कर रहे, आप अपने लिए भी करो, देवताओं के लिए भी करो, लेकिन आप नहीं करोगे तो फिर समझ लीजिए आप, अभी कोई वक्त निकला नहीं है, अभी सब वक्त पड़ा हुआ। और वो रेडियो और अखबार नहीं बोलते थे, लेकिन बाबा जी ने ये कहा कि मैं इतना दुनिया में शोर मचा दूंगा कि लोगों को बोलना पड़ेगा, अंत में मेरे बोलने के बाद क्या ही करोड़ आदमियों को, जब मैंने ढंडोरा पीट दिया तब बोले अखबार रेडियो कि इतना अनाज पैदा हुआ जो अभी तक कभी नहीं हुआ। कहिए तो हम देवताओं को वापिस कर ले और थोड़ा दुनिया के लोगों को मजा मिल जाए, ये भी देखने को लोगों को मिल जाए, लेकिन कई लाख आदमियों के बीच में बोलेंगे तब देवताओं को वापिस करेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे बोलिए अब क्या हुआ, तो लोगों को पता चल जाएगा, फिर लोग चिल्लाएंगे तो उनके लिए एक माफी है कि अब पगड़ी वालों के साथ चले जाते, ये जो पगड़ी पहराई गई है ये ऐसे नहीं पहराई गई, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई हंसी खेल है, ये अपना पुरातन विज्ञान है जिसको ज्ञान कहते हैं, ये कोई वजह है तो वो तो मैं शाम को सबके समक्ष बताऊंगा, अभी तो सारे सत्संगी आ रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे तक लोग आएंगे तब आप देखिएगा, तो ये सत्संग आप सुन लीजिए। हमारी एक एक बात, हम कोई बात ऐसी नहीं करते हैं जिसमें किसी का कोई नुकसान, मैं तो सारी इंसान मानव जाति को भगवान की देन समझता हूं, और जो भगवान की देन मानव इंसान जाति में, उसमें जो जीवात्मा और भगवान की अंश, मुझे हिंदू मुसलमान और ईसाइयों से कोई मतलब ना, मुझे शब्द के झगड़े में जाना, मैं तो देखता हूं ये इंसान आदमी है, इसमें वो भगवान की जीवात्मा रूप, और उसी को समझने की जरूरत है, जो उसको समझ लेगा उसने सबको समझ लिया, और जिसने इसको नहीं समझा ऐसे उपदेश कर सकते ज्यादा नहीं कितने देश में, ये धर्म देश है, ये धर्म क्षेत्र भूमि है, ऋषियों मुनियों साधु संतों अवतारी शक्तियों की, यहाँ बड़े बड़े लोग आए और बड़ा बड़ा उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन सब फना होके चले गए, आखिर में अस्तित्व वही धर्म का रहा, कोई कर्म का रहा तो थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, बादों का महीना है, सबको घबराहट है, बादों के महीने में सबको ढोंग लगी हुई है, सबको चिंता लगी हुई, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा, छोटे भी घबरा रहे बड़े भी घबरा रहे, ऊपर से क्या होगा नीचे से, ऊपर तो अभी आ रहा था, तो हर एक बड़े बड़े बुद्धिजीवी के ऊपर मस्तक पर तलवार लटकी थी, हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व का आदमी जनमत ये कहता था मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मर जाऊंगा, बाबा जी क्या होगा, हमने कि तुम घबराओ नहीं, हमारे देवता पहरा दे रहे, बस इतनी बात उसी में समझ लो, और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इसी में आप सब कुछ समझ लीजिए। तो ये बुद्धिजीवियों की बुद्धता काम नहीं करती, वो जो हजारों अभी आकाश में घूम रहे उनके जब तार बिगड़ेंगे तो वो सब के सब जमीन पर गिरेंगे, तब आप क्या करेंगे, फिर कहेंगे बाबा जी अब ये क्या कीजिए, अब तो बचाइए कम, अकल तो तब ठीक होगी, अभी तो अकल में एक झटका लगा उसी में सब लोग घबरा गए, चले बाबा जी क्या होगा, अब तो बचाया, तो ये तो भगवान का खेल है, किसने आपको दिखाया, राम ने आपको दिखाया, सतयुग के अंत में आपको देखने को मिला, बीच बीच में बहुत से तमाशे हुए वो देखने को इतिहास में मिले और अब भी मिलेगा, और ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा,
जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी दम निकल जाएगी। बोलो दीन ताप माँ को तीन ताप जुड़ी, ताप बुखार, तीन ताप का पड़ा बुखार, एक तो अभी का, पीछे का और आगे का, ये तीन तापे हैं। इनका ऐसा बुखार लोगों को चढ़ा हुआ है कि चिल्ला रहे, तो दो तो लगी है, घबराहट तो है, क्या हो जाएगा न मालूम क्या होगा। एक एक सारे जीवों को चारों तरफ से घेर दिया और तीन जुड़िया तीन बुखार चढ़ा दिए। अब उसमें सबके सब चिल्ला रहे, रास्ता तो कोई बेचारों को मिलता नहीं, कौन इनको समझाएगा, कौन इनको बताएगा, कुछ हाहाकार मचा। अरे कुछ अपने अपने ऊपर भी विश्वास करो, कुछ महात्मा पर विश्वास करो, कुछ धर्म पुस्तकों पर विश्वास करो, कुछ भगवान पर विश्वास करो। सबका विश्वास को दिया, अपना भी गया, पुस्तकों का भी गया, महात्माओं का भी गया, भगवान का भी गया, और माया के पीछे पड़े हुए हो तो तीन बुखार लग गए और ऐसे जुड़ियां लगी हुई है कि बिल्कुल ऐसे कांप रहे जो जुड़ी में कांपते। इस जुड़ी की दवा महात्माओं के पास और किसी के पास, आप चाहोगे कि इन तीनों तापों से बच जाओ तो आपके पास इसकी कोई औषधि नहीं। तीनों तापों से बचना चाहते हो तो जाओ उन फकीर उन महान आत्माओं के पास, वहीं से दवा मिलेगी तब बचो। काम और इस पर तीन तो जुड़ियां बुखार चले हुए हैं उसमें चिल्ला रहे, फिर उस पर काम, उस पर चोट, उस पर लोग, ये और इस पर सवाल, उसका दुम दुना न मालूम कितना दुख। अब क्या करें, फिर एक दूसरों के मन दुश्मन, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, जात बिरादरी, पड़ोसी पड़ोसी, एकदम दुश्मन उनके मामूली शत्रु है, तो एक व्याध से न मरे, एक व्याधि से तो मर जाते हैं, इनको नाना व्याधि लगी हुई है, छूटेगा कैसे? कोई बात नहीं, नर नारी बच्चे बच्चियों महात्माओं की कृपा होती है जो कभी आकर के ऐसे जुम्मे उबार लें, छुड़ा लें, आपको बचा लें, सीधे रास्ते पर लगा लें, आपकी जूड़ी उतार दें, बुखार उतर जाए, बीमारी दूर हो जाए, और फिर वही दवा जो बहुत महात्माओं की कड़वी लगती थी वो मीठी लगती थी। हमने बहुत लोगों को देखा है कि घर में जाते हैं तो कभी पत्नी नाराज तो कभी पति, पति अनुकूल है तो पत्नी नाराज, पत्नी अनुकूल है तो पति नाराज, और दोनों जब अनुकूल है तो बच्चे नाराज, और तीनों अनुकूल है तो पड़ोसी नाराज, और पड़ोसी नाराज तो जात बिरादरी वाले नाराज। तो जिसको देखता हूं बाबा जी के पास क्यों चले गए, तो ऐसा ऐसा बुखार नाना भात का संताप, जिसको कहते हैं त्रिदोष, जब लग जाता है तो होश नहीं रहता है। इससे छूटना चाहोगे तो महात्मा ही काम आएंगे और कोई काम नहीं। इस दुनिया में ना भाई बहन तुम्हारे हित थी, ना धन जायदाद जमीन हित थी, ना आनवर जानवर ना ये हित थी, अगर कोई इस देश में हित थी तो महात्मा, वही अंत में मरने के पहले मरने के बाद काम आते हैं और कोई काम आता ही नहीं। इसलिए जो चीज दे दें उसको ले लो और वही काम आएगी और कोई चीज काम नहीं आती। तो इस तरह से हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, निक्सन की कोई राह नहीं, कोई रास्ता निकलने का नहीं, उसमें जल जल दिन और रात मरे, नींद भी नहीं आती है, दिन में 6 नंबर से बैठ भी नहीं सकते हो।
ऐसी दीप्ताएं